हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स और मैं हूं रवीश। और जैसा कि आप सबको पता है कि आईपीएल को पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, लेकिन आज हम बात आईपीएल की नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की मैदान पर वापसी नहीं हो पाएगी। नीली जर्सी में तो महेंद्र सिंह धोनी काफी दिनों से नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीली जर्सी में भी उनकी मैदान पर वापसी होना असंभव सा लग रहा है। ऐसा क्यों होगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं एमएस धोनी की। आईपीएल के ना होने के कारण अब सवाल यह है कि एमएस धोनी कब वापसी करेंगे, वो वापसी करेंगे भी या नहीं। हालांकि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और एमएस धोनी के पूर्व साथी वीरेंद्र सहवाग ने ऐलान कर दिया है कि एमएस धोनी की वापसी अब टीम इंडिया में होना असंभव सा ही है। वीरेंद्र सहवाग ने साफ कर दिया है कि आईपीएल में एमएस धोनी चाहे जितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, लेकिन अब वो टीम में वापसी नहीं कर पाएंगे। सहवाग अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, इसी दौरान बात करते हुए सहवाग ने बड़ी बात कह दी। हालांकि सहवाग की ये बात धोनी के फैंस को अच्छी नहीं लगेगी और वो सहवाग से नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन सहवाग जिस तरह से बेखौफ होकर बल्लेबाजी करते थे, उसी तरह से वो अपनी बात भी बिना डरे बिना झिझके रखते रहे हैं और अब भी रख रहे हैं। सहवाग ने साफ तौर पर कहा है कि जब सेलेक्टर्स किसी खिलाड़ी को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर आमतौर पर उस खिलाड़ी की वापसी लगभग असंभव सी हो जाती है। तो पिछले 8.5 महीने से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान से दूर है। जी हां, इस दौरान भारत ने कई सीरीज खेली, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी टीम का हिस्सा नहीं रहे। हालांकि जब आईपीएल के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने कैंप लगाया था तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी ने बल्ला थामा था, उनकी प्रैक्टिस को देखने के लिए बहुत सारे फैंस भी पहुंचे थे, लेकिन अब कैंप खत्म हो गया है, महेंद्र सिंह धोनी अपने घर रवाना हो गए और ऐसे में कई सवाल भी अब खड़े हो गए हैं। वीरेंद्र सहवाग ने सवाल भी उठाया कि अगर धोनी आईपीएल में अच्छा खेल दिखाते भी हैं तो वो टीम इंडिया में आखिर किस खिलाड़ी की जगह लेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त वनडे और टी20 में केएल राहुल विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी की भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन लोकेश राहुल कर रहे हैं, उससे नहीं लगता कि धोनी राहुल की जगह ले पाएंगे। इस पूरी बात में समझ में आता है कि सहवाग क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या सोचते हैं। यानी पहले तो आईपीएल 2020 होने पर ही आशंका के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर आईपीएल होता भी है तो इस बार छोटा आईपीएल होगा, यानी उतने मैच नहीं खेले जाएंगे जिस तरह का शेड्यूल पहले जारी किया गया था। ऐसे में धोनी को भी बल्लेबाजी और कप्तानी करने में कम ही मौके मिलेंगे। ऐसे में पहले तो ये तय होना जरूरी है कि आईपीएल हो, और अगर होगा तो फिर शेड्यूल देखना जरूरी हो जाएगा कि कितने मैच धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने के लिए मिलेंगे। आपको बता दें कि धोनी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले में खेला था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने 50 रन बनाए थे, लेकिन अपनी इस पारी के बावजूद भी वो टीम इंडिया को जीत दिलाने में नाकाम साबित हुए थे। हालांकि फैंस को उम्मीद यही थी कि महेंद्र सिंह धोनी जल्द से जल्द क्रिकेट के मैदान में वापसी करेंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 8.5 महीने से क्रिकेट के मैदान से दूर है। उम्मीद की जा रही थी कि धोनी आईपीएल में खेलेंगे और उसमें इस तरह का प्रदर्शन करेंगे कि आईपीएल के बाद अगली सीरीज या फिर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में धोनी फिर से टीम इंडिया में वापसी करेंगे, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। खास बात यह भी है कि कुछ ही महीनों पहले टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी कहा था कि आईपीएल एमएस धोनी के लिए बहुत अहम होने वाला है, अगर धोनी आईपीएल में अच्छा खेलते हैं तो वो टीम में वापसी कर सकते हैं। शास्त्री ने तो यहां तक कहा था कि जिस तरह से धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था, उसी तरह से वो वनडे से भी संन्यास ले सकते हैं और उसके बाद वो केवल टी20 खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आईपीएल होगा ही नहीं तो धोनी को अपनी प्रतिभा का फिर से लोहा मनवाने के लिए कौन सी जगह मिलेगी जहां वो अपनी बल्लेबाजी के जौहर दिखाएं और टीम इंडिया में वापसी कर पाएं। धोनी के मामले में पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग भी अपनी राय रख चुके हैं कि आईपीएल ही धोनी का भविष्य तय करेगा और उसके बाद सेलेक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया में शामिल करना है या नहीं करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। क्रिकेट की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।